हमें बहुत बार पेशेंट से सुनने में आता है कि डॉक्टर मुझे लैटरिन जाते वक्त काफ़ी पेन होता है, उसी के साथ साथ ब्लीडिंग भी कभी कभी देखने मिलती है, तो ये क्या हो सकता है? बेसिकली ये फिशर के संकेत है और इसी के साथ फिशर में और भी कई संकेत हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पेश चौहान। आज का हमारा टॉपिक है फिशर के साइन और सिम्टम्स, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। बेसिकली फिशर जो है एनस की लाइनिंग पर जब कभी भी छोटा सा कट या फिर टीयर आता है उसे ही हम फिशर कहते हैं। इसके कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो कि हम आगे जानेंगे। पहला सिम्टम है पेन, यानी कि दर्द होना। पेशेंट को इसमें काफ़ी पेन होता है जो कि एक शार्प कटिंग पेन होता है, और इसी के साथ साथ पेशेंट को स्टूल पास करने में भी काफ़ी बार दिक्कत महसूस होती है। अब पेन के साथ साथ ब्लीडिंग भी नज़र आती है। ब्लीडिंग जो है स्टूल के साथ साथ हमें नज़र आती है या फिर कभी टॉयलेट पेपर पर भी देखने मिलती है। इसका तीसरा सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन। स्टूल पास करते समय या फिर स्टूल पास करने के बाद आपको काफ़ी टाइम तक बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। चौथा रीज़न है इचिंग। आपके एनस के आसपास के एरिया में काफ़ी टाइम तक आपको इचिंग भी महसूस हो सकती है, जो कि फिशर के इरिटेशन की वजह से होती है। अब आता है मसल स्पाजम। जो एनस के जो आसपास के जो मसल्स होते हैं उसमें स्पाजम आ जाता है, उसमें टाइटनेस आ जाता है, जिसकी वजह से दर्द जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसका लास्ट जो सिम्टम है जो कि डिस्कम्फर्ट। आप जब भी स्टूल पास करते हो तो स्टूल पास नहीं हो पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ पे काफ़ी दर्द होता है। अब इन सब का हम इलाज कर सकते हैं। आप रिच फाइबर अगर डाइट अगर ऐड करते हो तो उससे ये ठीक हो सकता है, और इससे भी अगर ठीक नहीं होता है तो आपको मेडिसिन की सहायता ले सकते हो, जिसमें आपको होम्योपैथी काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकती है। चलिए आज बात करते हैं फिशर किन कारणों की वजह से होता है और क्या इसके कॉजेस है। पहला तो इसका मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर होना एक आम बात है। अगर जब भी आपके स्टूल हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट टू पास होते हैं, तो एनल के इनर लाइनिंग पर कट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका एक रीज़न है हार्ड स्टूल। जब भी हार्ड स्टूल पास होते हैं तो एनस के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज की वजह से वहाँ टीयर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर फिशर होने की संभावनाएँ होती है। इसी के साथ साथ स्ट्रेनिंग भी इसका एक रीज़न है। जब भी हम लैटरिन के लिए जाते हैं तब जोर लगाते हैं, उसकी वजह से भी फिशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डायरिया भी इसका एक कारण है। जब भी कभी पेशेंट को क्रोनिक डायरिया होता है तो बार बार स्टूल पास होने की वजह से एक एनल रीजन पर इंफ्लामेशन तैयार हो जाता है, और उसकी वजह से भी फिशर होने की संभावनाएं होती है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी फिशर हमें देखने मिलता है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उस पर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान एनल की जो मसल्स होती है उसमें फ्रिक्शन तैयार होता है, और उसी की वजह से जो है हमें फिशर देखने मिलता है। इंफ्लामेटरी बॉवल डिसीज़, जिसमें कि क्रॉन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसी कंडीशन होती है। अब इसके वजह से इंटेस्टाइन में काफ़ी दिनों तक इन्फ्लामेशन होने की संभावनाएँ होती है, जिसकी वजह से फिशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनल इंटरकोर्स भी इसका एक वन ऑफ द रीज़न है। लो फाइबर डाइट, इसकी वजह से भी एनल फिशर हो सकता है, क्योंकि इसके वजह से कब्स तैयार होते हैं और कब्स की वजह से भी फिशर तैयार हो सकते हैं। अब इन सब से अगर बचना हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना होगा। आपके डाइट में फाइबर रिच कंटेंट ऐड करने होंगे, उसी के साथ पानी की मात्रा बढ़ानी होगी, एक्सरसाइज भी बढ़ानी होगी। अगर इन सब से भी ठीक ना हो तो आपको डॉक्टर की सहायता से इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन इसे अर्ली स्टेज में ठीक करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अगर बढ़ जाता है तो काफ़ी दिनों तक आपको तकलीफ दे सकता है। पेशेंट काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं कि लैटरिन की जगह पे जो तकलीफ हो रही है वो एक्चुअली है क्या। क्लिनिक में जब भी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी दिनों से एनल रीजन पर एक तकलीफ हो रही है। उसी के साथ कोई कहता है मुझे स्वेलिंग है, कोई कहता है मुझे वहाँ से खून निकलता है, कोई कहता है मुझे पेन होता है। तो इन सब कंडीशन में उन्हें फिशर, फिस्टुला और पाइल्स, हिमोराइड, इन सब के बारे में पता तो होता है, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें कौन सी तकलीफ है ये नहीं पता होती है। देखा जाए तो तीनों ये अलग अलग चीज़ें हैं, फिस्टुला, फिशर और पाइल्स, लेकिन इसके सिम्टम कहीं तो हमें मिक्स नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं सेम नज़र आते हैं। अब बात करते हैं फिशर इन एनस की। तो फिशर इन एनस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एनस के इनर लाइनिंग पर हमें कट नज़र आता है, और उसी के साथ फ्रेश ब्लड भी नज़र आता है जो कि स्टूल के साथ पास होता है। ये कॉन्स्टिपेशन या हार्ट स्टूल या फिर स्ट्रेनिंग की वजह से होता है। इसके मुख्य सिम्टम जो है
जो स्टूल पास करते वक्त पेशेंट को काफी दर्द होता है, ये इसका एक मेन सिम्टम है। अब बात करते हैं फिस्टुला की, जिसे कॉमन लैंग्वेज में भगंदर भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली दो ओपनिंग रहते हैं, एक एनस के अंदर और एक एनल के बाहरी सरफेस पे रहते हैं, जिसमें पस फॉर्मेशन होता है और उसी के साथ साथ पेशेंट को फीवर भी महसूस होता है। अब बाहरी सतह पर हमें स्वेलिंग के साथ साथ कभी दर्द भी महसूस हो सकता है। अब तीसरा है पाइल्स, जिसे हिमोरॉइड्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपके जो रेक्टम है, आपके जो एनल कैनाल है, उसकी ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। अब वो स्वेलिंग इंटरनल स्वेलिंग भी रहती है, जिसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और कुछ स्वेलिंग बाहरी हिस्से में आ जाती है, जिसे एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। अब इस कंडीशन में कोई कंडीशन पेनफुल होती है और कोई कंडीशन पेनफुल नहीं होती है। ज़्यादातर हमें एक्सटर्नल पाइल्स में ही हमें पेनफुल कंडीशन नज़र आती है। अब ये ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, हार्ट स्टूल की वजह से और प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान हमें देखने मिलता है। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए और अपना जांच कराइए और उसी के साथ अपना इलाज शुरू करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।